आंखों में आंसू लिए रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत का विरोध करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। उनके इस फैसले के बाद फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने उन्हें सलाह दी। दरअसल शीर्ष पहलवानों ने साल के शुरू में ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिन पर उन्होंने महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया था और यह मामला अदालत में चल रहा है। लेकिन जब गुरुवार को WFI के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह चुनाव जीत गए तो साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। इस पर जयंत चौधरी ने कहा, आश्वस्त रहे और प्रेरणा देते रहे। आंखों में आंसू लिए रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत का विरोध करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। उनके इस फैसले के बाद फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने उन्हें सलाह दी। दरअसल शीर्ष पहलवानों ने साल के शुरू में ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिन पर उन्होंने महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया था और यह मामला अदालत में चल रहा है। लेकिन जब गुरुवार को WFI के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह चुनाव जीत गए तो साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। इस पर जयंत चौधरी ने कहा, आश्वस्त रहे और प्रेरणा देते रहे।